नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई साइनोडॉन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किस बीमारी में दी जाती है और क्या लक्षण होने पर असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के बारे में बात करें तो ये एंटी हेमरेजिक के तौर पर काम करती है, यानी ये दवाई ब्लीडिंग को रोकती है। ब्लीडिंग कैसे? अगर पेशेंट के नोज से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको कंट्रोल करती है, पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करती है, मेनोरेजिया यानी महिलाओं में मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने को कंट्रोल करती है, या फिर पेशेंट को अगर डायरिया में भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा इंजरी यानी चोट लगने पर पेशेंट को अगर ब्लीडिंग देखी जा रही हो तो उसको भी ये दवाई रोकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट को अगर ब्लीडिंग रोकनी है तो ये दवाई आप दे सकते हैं। अब इसके हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि इन बीमारियों में यानी इन डिजीज़ में ये दवाई किन लक्षणों पर दी जाती है। नोज ब्लीडिंग की बात की जाए तो अगर पेशेंट के नाक से लगातार खून बह रहा है, ब्राइट रेड कलर का वो खून है, और पेशेंट के हीट ऑप्शन से ये एग्रावेट होता है, यानी धूप में जाने से ये बढ़ता है, ठंडी चीज़ें खाने से बढ़ता है या फ्राइड फूड खाने से बढ़ता है, तला हुआ खाने से बढ़ता है, तो ऐसे में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ये दवाई हम मेनोरेजिया में देते हैं। महिलाओं में जब ब्लीडिंग मेंसिस के दौरान बहुत ज़्यादा हो रही हो, हैवी ब्लीडिंग देखी जा रही हो, तो ऐसे में ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। इससे ब्लीडिंग कंट्रोल होती है और पेशेंट को इसकी वजह से जो क्रैम्प्स आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। यहाँ तक कि ये दवाई फ्लैचुलेंस में भी मदद करती है। अगर ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग के दौरान फ्लैचुलेंस भी साथ में हो तो उसको ठीक करती है। डायरिया में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग देखी जा रही हो तो ये दवाई डिसेंट्री में पेशेंट को दी जाती है। डिसेंट्री में अगर पेशेंट के लूज स्टूल में साथ में ब्लीडिंग भी देखी जा रही हो तो उसमें काफ़ी मददगार रहती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब डिसेंट्री में पेशेंट को वोमिटिंग भी देखी जा रही हो, साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे सिम्टम्स हो, पेशेंट को भूख ना लगती हो, लगातार उल्टी लग रही हो, इसी के साथ साथ क्रैम्प्स भी आ रहे हों, पेट में पेशेंट को लगातार दर्द रहता हो, और जो वोमिटिंग हो रही है उसमें पेशेंट को कई बार ब्लीडिंग देखी जा रही हो, लूज मोशन के दौरान अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ये दवाई कंट्रोल करती है। इसके अलावा बवासीर की बात की जाए तो खूनी बवासीर होने पर ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, बवासीर को ठीक करती है, ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है। कुल मिलाकर हमारे शरीर में जितने भी छेद होते हैं अगर वहाँ से ब्लीडिंग देखी जा रही हो, जैसे पेशेंट के नाक से अगर ब्लीडिंग देखी जा रही हो, मुंह से अगर पेशेंट को वोमिटिंग आती है और उसके साथ ब्लीडिंग देखी जा रही हो, यहाँ तक कि कई बार ये हेमोचूरिया में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और लंबे टाइम से चलती आ रही है या एक्यूट केस है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर कर लें। डॉक्टर की सलाह लेकर ये दवाई आप ले सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।